हेलो एवरीवन, अभी हम लोग ट्रम्प ऑफ सर्जरी के रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेज पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेज पम्फ्रे जो हैं वो ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों हैं? मिसेज पम्फ्रे जो हैं वो अपने डॉग ट्रिकी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो खाना खाने से मना कर रहा है और उल्टियाँ कर रहा है। इसके लिए मिसेज पम्फ्रे ही जिम्मेदार थी, क्योंकि वो ट्रिकी को हमेशा खिलाते रहती थी। इन्हीं को अपने वर्ड्स में हमको लिखना है, मिसेज पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। ये मैंने क्वेश्चन से एज इट इज लिखा है, बिकॉज ही इज अनवेल, रिफ्यूज्ड टू ईट एंड ओमिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। तब उन्होंने उसकी मदद के लिए क्या किया? इज शी वाइज इन दिस, क्या वो इस काम में बुद्धिमान है? देखिए, टीकी की बीमारी को ठीक करने के लिए उन्होंने जो वेटनरी सर्जन है मिस्टर हेरियट, उनको मदद के लिए बुलाया। ये जो है ना, बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि जो डॉक्टर हैं मिस्टर हेरियट, उन्होंने सजेस्ट किया कि टीकी को हॉस्पिटलाइज्ड करने का ज़रूरत है, क्योंकि जो मिसेज पम्फ्रे हैं वो टीकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और अपने प्यार को वो खाने से जताती हैं, जिसके कारण ट्रिकी खा खा कर इतना मोटा ताजा हो गया है कि उससे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है ना नहीं हो पा रहा है। फिर भी जो मिसेज पम्फ्रे हैं वो सोचती हैं कि ट्रिकी कमज़ोर है, इसी कारण से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, उसको और खिलाने लगती हैं। इसके आंसर में लिखेंगे, सी कॉल्स मिस्टर हेरियट अ वेटनरी सर्जन टू हेल्प हिम। उन्होंने ट्रिकी की मदद के लिए मिस्टर हेरियट, जो कि एक वेटनरी सर्जन हैं, उनको बुलाया। सी मेक्स अ वाइज डिसीजन बिकॉज द डॉक्टर सजेस्ट दैट ट्रिकी नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज। उनका ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई जो हैं वो कौन है? देखिए, इस कहानी में आई है नरेटर मिस्टर जेम्स हेरियट, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं। इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है, आई रिफर्स टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हेरियट अ वेटनरी डॉक्टर। आई यहाँ पे जो लेखक हैं मिस्टर जेम्स हेरियट, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं, उसको रिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज टिकीज मिस्ट्रेस। जो नरेटर हैं हमारे डॉक्टर, क्या उतने ही धनवान हैं जितनी टिकी की मालकिन है? नहीं, हमारे जो नरेटर हैं डॉक्टर जी, वे टिकी के मालकिन की इतना धनवान नहीं है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, नो द नरेटर इज नॉट एज रिच एज टिकीज मिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। उन्होंने डॉग का इलाज कैसे किया? तो देखिए, उन्होंने डॉग का इलाज तो सबसे पहले ऐसा किया कि उसके खाने पीने को बंद कर दिया, 2 दिन तक केवल उसको पानी ही पिलाते रहे और उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा और उसको खेलने कूदने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए फ्री छोड़ दिया, जिसके कारण उसके हेल्थ में ड्रामेटिक चेंज आया और उसका हेल्थ जो है ना, बिल्कुल एक फिट डॉग की तरह हो गया। इन्हीं को अपने वर्ड से हमको लिखना है, ही ट्रीट्स द डॉग बाई पुटिंग हिम ऑन अ डाइट। उन्होंने डॉग का इलाज उसको एक डाइट पे रख कर किया। डाइट का मतलब होता है कि उसको वो खाना पीना देना उन्होंने बंद कर दिया जो पहले वो खाता था, एंड कीपिंग हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको हमेशा ऑब्जर्वेशन में उन्होंने रखा। ही सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। उन्होंने उसको आज़ाद छोड़ दिया फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, ताकि उसका हेल्थ इम्प्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जो डॉक्टर हैं वे क्यों चाहते थे कि ट्रिकी जो है ना उनके पास एक परमानेंट गेस्ट माने स्थायी मेहमान के रूप में रहे। तो देखिए, जब से ट्रिकी हॉस्पिटलाइज हुआ था, तो टिकी की जो मालकिन थी मिसेज पम्फ्रे, वह हमेशा टिकी के लिए खाना और पीना, पीना माने अच्छी अच्छी क्वालिटी के वाइन भेजा करती थी, जिसको जो हमारे डॉक्टर हैं और उनके स्टाफ हैं काफ़ी इंजॉय करते थे, क्योंकि टिकी को तो ये सब वो दिया नहीं करते थे। इन्हीं कारण से वो चाहते थे कि टिकी जो है ना एक परमानेंट गेस्ट के रूप में उनके पास हमेशा रहे। इसी को अपने वर्ड से हमको लिखना है, ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। देखिए, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतारा है, बिकॉज ही इंजॉयज द फूड एंड द ड्रिंक दैट मिसेज पम्फ्रे ब्रिंग्स फॉर ट्रिकी। क्योंकि मिसेज पम्फ्रे जो खाने पीने का सामान ट्रिकी के लिए लाती हैं, उसको ये लोग खुद इंजॉय किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डज मिसेज पम्फरे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो मिसेज पम्फरे हैं वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि कुत्ते का ठीक होना जो है ना वो अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, माने इलाज का विजय है। तो देखिए, मिसेज पम्फरे ने सोचा था कि ट्रिकी अब ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका बीमारी जो है ना काफ़ी गंभीर है, क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, खाता भी नहीं था, चल भी नहीं पा रहा था और बिल्कुल मरे हुए टाइप का सुस्त हो गया था। तो उसका केवल 2 हफ्ते में ठीक होना मिसेज पम्फरे के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। इसी को वो अपने वर्ड्स में लिखेंगे, मिसेज पम्फरे थिंक्स ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। देखिए, इसको मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतारा है। मिसेज पम्फरे सोच रही हैं कि ट्रिकी का ठीक होना जो है ना वो इलाज का जीत है, बिकॉज ही इज कम्प्लीटली रिकवर्ड इन 2 वीक्स, क्योंकि वो केवल 2 हफ्तों में ठीक हो चुका है। एंड नाउ अ स्ट्रांग मस्कुलर डॉग, और किसी हष्ट पुष्ट कुत्ते की तरह अब एक मजबूत मस्कुलर डॉग बन चुका है। चलिए देखते हैं ये चैप्टर आपने कितने अच्छे से समझा है। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रिमेज? स्क्रिमेज वर्ड का मतलब क्या है? ए है फाइट, बी है प्ले, सी है रन और डी है नन ऑफ द अबव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।